जय माता दी। सभी को स्वागत है आप सभी को चैनल में एक बार फिर से। आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। तो हमें कई बार दिमाग में ये प्रश्न आते होंगे कि अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो हमारे आने वाला दिन सुनिश्चित है, ये घटनाएं होने वाला है, तो आखिर ये पूजा पाठ हम कोई दुर्योग के लिए ग्रह शांति क्यों कराएं? अगर कोई चीज़ हमें मिलने वाला है तो मतलब वो हमें मिलकर ही रहेगा ना, अगर हमारा फ्यूचर फिक्स है तो। आखिर क्या है एस्ट्रोलॉजी, क्यों हम एस्ट्रोलॉजी को माने अगर हमारा फ्यूचर फिक्स है तो? क्या सच में हमारा फ्यूचर फिक्स ही है या एस्ट्रोलॉजी कोई ढोंग है कि फ्यूचर बताकर और उसके उसे ठीक करने के लिए अभी वर्तमान में काम करवाने का बात करता है? अगर फिक्स है तो उसे बात कैसे करवाए? क्या सच में फिक्स ही है? तो आइए बात करते हैं इस पर। सबसे पहले हम समझे कि मनुष्य योनि कर्म योनि है और उससे जो बाकी के योनि है वो भोग योनि है। तो भोग योनि में क्या होना है क्या नहीं होना है वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है। उसमें कोई कर्म का फल कर्म जनरेट नहीं होता, कोई काम जनरेट नहीं होता। भोग योनि कौन कौन से हैं? तो मनुष्य से ऊपर देव योनि और मनुष्य से नीचे पशु पक्षी योनि, प्रेत योनि, भूत योनि, इसे भोग योनि कहा जाता है। और मनुष्य का जीवन है वो है कर्म योनि। यहीं पर हम कर्म करेंगे और उसी से हमें आगे का रास्ता तय करना है कि हम देव योनि में जाएंगे या निचले पशु पक्षी के योनि में जाएंगे, भूत प्रेत की योनि में जाएंगे, या कर्म से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ जाएंगे। ये सब फिक्स होता है यही मनुष्य जीवन के कर्मों के आधार पर। और ये जो ग्रह और ये एस्ट्रोलॉजी कुंडली गोचर होता है, ये क्या डिनोट करता है कि आपके पिछले जो कर्म थे, कर्म उसका जो आपने कर्म जनरेट किया था, हमें सबको पता है कर्म का नियम ये है कि जो आप करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। तो हमने जो कर्म किया था उसका भोग हमें इस जीवन में कैसे भोगना है वो हमारे ग्रह के पोजीशन बताते हैं। तो क्या एक्यूरेट 100% जो होगा वही बताते हैं? नहीं, ये जो ग्रह का पोजिशनिंग है ये एक पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे कि मान के चलो आपको दुर्घटना का योग बताता है, मान के चलो कोई दुर्घटना होने वाली योग है, शनि और मंगल का कोई युति अष्टम भाव से या कुछ ऐसा ही बना, तो उसमें क्या होता है कि ये योग बताता है, मतलब पॉसिबल है आपको एक्सीडेंट होगी, चोट चपेट लगेगा, इस हिसाब का योग बताता है। लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा कि कितना लगेगा, हाथ पैर ही कट जाएगा या कुछ, तो वो बताएगा आपके कर्म, आपके कर्म किस प्रकार के हैं और वो एनर्जी जो ग्रह पैदा करते हैं उस घटना को घटाने के लिए। मान के चलिए आपको एक्सीडेंट होना है, ठीक है, बड़ा एक्सीडेंट होना है, तो राहु शनि को बलवान भी होना पड़ेगा कुंडली में। अब हाँ, इसमें ये कुंडली में ग्रहों का बलाबल भी देखा जाता है। अगर ग्रह बली है तो वो संभाव्यता बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी 50, 60, 80, 90 तक पहुंच जाती है। अगर कम जोड़े तो 10, 20, 30, इस हिसाब से पॉसिबिलिटी होती है। तो मान के चलो आपका एक्सीडेंट है, आपको कुंडली दिखाए, पता चला कि बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसके शांति के लिए मान के चलो एक पूजा पाठ हुई। तो क्या होता है इसमें, जब बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है तो क्या करता है ग्रह, अपना एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस घटना को घटाने के लिए। तो वो एनर्जी किस लेवल पर काम करता है, आपके मस्तिष्क के लेवल में काम करता है, और वो घटना में अगर कौन कौन दूसरे जो व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे उनके मस्तिष्क में भी काम करेगा आपके ग्रहों की एनर्जी। तो मान के चलो एक्सीडेंट होने वाला, कोई ट्रक से आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या करेगा वो एनर्जी, वो जो ट्रक का ड्राइवर है उसका दिमाग में एक भ्रम क्रिएट करेगा और आपको ले जाकर उसके गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देगा। ऐसा होता है एक्सीडेंट या चोट चपेट में, या फिर आपके दिमाग में ऐसा करेगा कि आप गाड़ी स्पीड चलाओ या कुछ ऐसा मतलब गलत करवाएगा आपके दिमाग में अपना एनर्जी का प्रभाव डालकर। तो जब ग्रह शांति होती है, कोई पूजा पाठ होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो एनर्जी होता है उसके एंटी में दूसरा एनर्जी निकलता है। तो जब ग्रह शांति होता है तो वो जो एक एनर्जी है और वो दूसरा एनर्जी है, मतलब एक एक्सीडेंट कराने वाला एनर्जी है, एक एक्सीडेंट से बचाने वाला एनर्जी है। तो वो एनर्जी क्या करता है, वो एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब वो गतिशील एनर्जी है आपको एक्सीडेंट कराने के लिए, तो उसे स्थिर कर देता है। हम जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन फॉर्म, इसका फॉर्म चेंज हो सकता है।
तो इससे क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी होता है जो एक्सीडेंट कराने वाला होता है, और ये हमने जो पॉजिटिव पूजा पाठ कर कर जो एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करते हैं बचाने वाला एनर्जी, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो जो बचाने वाला एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं, मतलब वो स्थिर हो जाते हैं। आपका एक्सीडेंट होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा, आप फुल न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो पहले से है वो जो एक्सीडेंट वाला जो मतलब एनर्जी है वो थोड़ा बलवान होता है ये पूजा पाठ की एनर्जी से। लेकिन अगर आप एकदम मैक्सिमम लेवल तक पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, मान के चलो किसी आराध्य देव का करोड़ों तक जाप कर दोगे, तो ये जो एनर्जी है वो बड़ा हो जाएगा और आपको एक खर्च तक नहीं आएगी। इस हिसाब से काम होता है एनर्जी के बेस पर। तो ये हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है, कि एक पॉसिबिलिटी बताता है। अब मान के चलो कोई राजयोग है, हम जो दुर्योग पर बात कर, राजयोग में तो वो राजयोग में आपको बताएगा कि अब जैसे आपको बिजनेस में फायदा होने वाला है राजयोग के हिसाब से, तो आप क्या करोगे कि वो जो एनर्जी राजयोग निकालेगा, वो जो इसे मान के चलो बुध उच्च का बैठकर आपको बिजनेस में फायदा दिलाएगा, तो बुध का जो एनर्जी होगा वो आपके बुद्धि पर प्रभाव डालेगा कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे करने से फायदा होगा। तो इस हिसाब से ये डिनोट किया कि आपको फायदा होने वाला है। लेकिन कैसे, अब मान के चलो बुध कमजोर था, तो बुध कमजोर था तो लो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। अगर बुध बली होगा तो बड़ा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बड़ा फायदा होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ ना। और मान के चलो बुध कमजोर है, आपको फायदा ज़्यादा लेना है, तो बुध को बली करोगे आप, उसके बीज मंत्र का जाप करोगे, उसका उपाय करोगे, तो वो एनर्जी जो बनाएगा बुध उसमें ये जो पूजा पाठ का एनर्जी है वो ऐड हो जाएगा, दोनों के एनर्जी सेम हो जाएंगे, सेम टाइप की एनर्जी हो जाएंगे और आपको ऊपर उठा लेंगे, मतलब फायदा करा देंगे। तो राजयोग में कैसे होता है, दुर्योग में कैसे होता है, ये समझ लिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक पॉसिबिलिटी है जो कि आपके आने वाली जीवन को बताती है। तो वो पॉसिबिलिटी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उस पॉसिबिलिटी को ज़्यादा या कम करने का जो उपाय है वो एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए हमारा जो फ्यूचर है वो फिक्स नहीं है, एक पैटर्न पर चलेगा। हमारा पैटर्न फिक्स है लेकिन हमारा फ्यूचर फिक्स नहीं है, सिर्फ पैटर्न फिक्स है कि ऐसे घटनाएं होंगे। अब उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अब वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो आप, तो इस हिसाब से होता है, पैटर्न फिक्स है, फ्यूचर फिक्स नहीं है, जो घटनाएं होंगे वो फिक्स नहीं है, सिर्फ पैटर्न फिक्स है। अगर फ्यूचर के घटनाएं ही फिक्स हो जाएंगे तो मनुष्य जीवन कर्म योनि है, ये तो सिद्धांत ही गलत हो गया ना। जब हमारा फिक्स है तो वो कर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस हिसाब से होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। आने वाले दिनों में मैं शायद अब लाइव कुंडली एनालिसिस का एक प्रोसेस कराऊंगा, फ्री में होगा वो, मतलब लाइव आऊँगा या एक वेबसाइट क्रिएट कर कर उस पर लेकर आपको आप तक पहुँचाएंगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय माता दी।